The condition of maxima in interference, थोड़ा हम आज जल्दी निकलेंगे हाँ, पैटर्न वाला द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा की क्या होती है, डेल्टा फाइव इज इक्वल टू हाउ मच, ट्वाइस एन पाई। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का रिलेशन हमने बताया था, बता दिया था। सो डेल्टा पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, एन लैम्डा। ठीक है, दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। और मैक्सिमा का कंडीशन कैसे मिल रही है कि जब वेव वाई वन और वाई टू इस तरह से सुपर इम्पोज हो रही है तो रिजल्ट क्या मिल रहा है, ये ऊपर जा रही है, ये ऊपर जा रही है, तो एम्पलीट्यूड ऐड कर रहा है। देन एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, सीधे ऐड हो जा रहा है। वेयर ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इनिशियल वेव वन एंड बी इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इनिशियल वेव टू। ठीक है, फॉर कंडीशन ऑफ मिनिमा, मिनिमा की कंडीशन के लिए क्या होगा, डेल्टा फाइव, दिस इज फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू ट्वाइस एन प्लस वन पाई, एंड पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस एन प्लस वन लैम्डा बाई टू, एंड एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ग्राफिकली। इसमें क्या बनेगा, एक वेव इस तरह से जा रही है, दूसरी वेव ठीक उल्टा जा रही है, तो रिजल्टेंट वेव किस तरह से मिलेगी, बहुत इस तरह से मिलने वाली है। ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड ख़त्म हो जाएगा। अगर ए इज इक्वल टू बी कर दे तो एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा। तो वी आर स्टडिंग अबाउट द जनरल कंडीशन। कुछ ना हो, ये तभी संभव है जब कुछ नहीं का मतलब कि यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी इफेक्ट, देर इज नो इंटरफेरेंस। ठीक है, तो अगर इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है या इसका असर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो कंडीशन है वो फॉलो नहीं कर रही है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि लाइट का जो सोर्स है वो सोर्स पल्सेस के रूप में निकलता है। वजह क्या है कि लाइट निकलती कैसे है कि दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज जो बोर साहब का जो थ्योरी है उसमें कहा कि इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में है, तो हायर स्टेट में कितना रहेगा, 10^-8 सेकेंड। एक एटम की बात कर रहे हैं, जैसे ये ट्यूब लाइट, तो ट्यूब लाइट में मरकरी वेपर होता है, तो उसमें लाखों मरकरी के एटम होते हैं, वो लाखों एटम एक साथ या बारी बारी से हायर स्टेट में जाते हैं, इनर्जी कहाँ से लेते हैं, करंट से लेते हैं, और हायर स्टेट में जाते हैं, फिर जम करते हैं, नीचे आते हैं, तो लाइट मिलती है। लेकिन ये कितने समय तक हायर स्टेट में रहेगा, 10^-8 सेकेंड। ठीक है, तो जो निकलने वाली वेव है उसकी लंबाई कितनी होगी, वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें
टू थ्री इंटू 10^8 दिस इज मीटर तो दैट विल बी 3 meter लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि 10^8 -8 रहे दिस इज चेंजिंग इन डिफरेंट कंडीशन तो ये जो वेव इससे निकली है वो 3 meter की है 3 meter बाद एब्रप्ट चेंज फेज में हो जाएगा मतलब इसके बाद अगर यही एटम फिर से लाइट दे रहा हो तो उसके बाद इस तरह का आएगा कि इसके और इसके बीच में रैंडम गैप हो जाएगा फेज का तो यहाँ से भी लाइट निकल रही है यहाँ से भी लाइट निकल रही है यहाँ से भी लाइट निकल रही है तो 3 सोर्स हैं आपके पास तो क्या ये कंडीशन मीट नहीं हो रही है हो रही है ठीक है इंटरफेरेंस हो रहा है लेकिन ये इंटरफेरेंस कितने समय के लिए 10^-8 सेकेंड के लिए तो इसको हम लोग कहते हैं अनसस्टेनेबल इंटरफेरेंस पैटर्न क्योंकि 10^-8 सेकेंड के लिए फ्रिंज बनेगी फिर मिट जाएगी फिर दूसरी फ्रिंज बनेगी फिर मिट जाएगी फिर तीसरी फ्रिंज बनेगी फिर मिट जाएगी तो बारी बारी से ये चीज़ होती रहेगी तो फ्रिंज जो बन रही है यानी जो पैटर्न बन रहा है इस तरह से ठीक है ये स्टैटिक होना चाहिए कि यहाँ पर अगर ब्राइट है तो हमेशा ब्राइट रहे हमेशा डार्क है तो हमेशा डार्क रहे फिर ब्राइट है तो ब्राइट रहे ताकि आप ये देख सकें कि ये ब्राइट की ही पोजीशन है और 10^-8 सेकेंड में ये ब्राइट हो रहा है फिर 10^-8 सेकेंड में ये डार्क हो जा रहा है फिर ब्राइट हो रहा है फिर डार्क हो जा रहा है तो आपको आँख क्या करेगी उसका एवरेज इफेक्ट रीड करेगी तो आप कहेंगे इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं है तो ये जो कंडीशन हम लोग पढ़ रहे हैं ये सस्टेनेबल इंटरफेरेंस पैटर्न की कंडीशन है जो आप अपनी आँख से ऑब्जर्व कर रहे हैं दो इंडिपेंडेंट सोर्स भी इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करते हैं लेकिन इनको नॉन सस्टेनेबल इंटरफेरेंस पैटर्न कहा जाता है क्योंकि ये हमेशा डायनेमिक यानी बदलते रहते हैं जिससे आँख जो है रीड नहीं कर पाती है कि यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा है ठीक है तो ऑल दीज कंडीशन आर सस्टेनेबल सस्टेन का मतलब लगातार आप उसको देख सकने की स्थिति में हैं वो कंडीशन ये देखिए मैंने फ्रीक्वेंसी कहीं बदला नहीं आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा कि अगर फ्रीक्वेंसी हम थोड़ा सा चेंज करके दो वेव का इंटरफेरेंस कराएं तो क्या होगा बीट्स सुनाई देंगे ठीक है तो यहाँ भी बीट फॉर्मेशन होता है लाइट में भी वो चीज़ देखने को मिलती है ऐसा कुछ नहीं कि नहीं देखने को मिलेगी जो चीज़ वहाँ पर देखने को मिलेगी क्योंकि वहाँ भी वेव नेचर है यहाँ भी वेव नेचर है तो एवरीथिंग यू कैन ऑब्जर्व ठीक है हाँ लाइट में ऑब्जर्वेशन की तकलीफ क्या है तकलीफ ये है कि ये कंडीशन को अचीव करना क्योंकि वेवलेंथ उसका बहुत कम है दूसरा बात कि ये जो इसको कहते हैं कोहरेंट लेंथ यानी किसने लेंथ तक वेव कोहरेंट स्टेट में आ रही है कोहरेंट स्टेट का मतलब होता है फेज लॉक कंडीशन फेज चेंज नहीं हो तो इसमें जो है हमेशा अभी हम लोग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इसके बाद पढ़ते हाँ डबल स्लिट की ज़रूरत क्यों पड़ी
क्यों नहीं दो बल्ब लगा करके कर दिया गया। तो डबल स्लिट की जरूरत इसलिए पड़ी कि रैंडमली 10^-8 सेकेंड में फेज सोर्स का बदल जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप किया 10^-8 सेकेंड तक रहा तो वेव निकली 3 मीटर की, ये ग्राउंड स्टेट पे आ गया। अब यही एटम की हम बात कर रहे हैं, दूसरे एटम की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लाखों एटम होंगे। अगर यही एटम दोबारा से एक्साइट हो जाए तो जो दूसरी वेव निकलेगी उस वेव के बीच में और इस वेव के बीच में कोई फेज का रिलेशन नहीं होगा। और आप देखिए फेज हमेशा अगर डिस्ट्रक्टिव है तो फेज ये होना चाहिए, यानी दो वेव के बीच इतना फेज का डिफरेंस होना चाहिए। और ये कह रहा है कि 10^-8 सेकंड पर एक वेव जो एक ही एटम से निकल रही है उसका वेव जो आगे बढ़ चुकी है और जो निकल के आ रही है इसके बीच कोई फेज रिलेशन नहीं है, रैंडमली बदल गई। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या कि जिस तरह दो सोर्स लेंगे, जिस तरह से इसका फेज एक सोर्स का बदल रहा है ठीक उसी तरह से दूसरे सोर्स का भी फेज बदल जाए, तो इसको कहते हैं फेज लॉक कंडीशन। और फेज लॉक कंडीशन इसलिए जरूरी है कि ये कंडीशन मिलती रहे, तो इसको कहते हैं सस्टेनेबल इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, दो इंडिपेंडेंट सोर्स भी इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करती है बट इट इज नॉट सस्टेनेबल, यानी सस्टेन करना देर तक दिखाई देना। दूसरी बात यह है कि अगर आप सेंटर से बहुत दूर तक जाएं, ठीक है, जैसे यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न बनना और ये सेंटर है, यहाँ से बहुत दूर तक चले जाए या यहाँ से बहुत दूर तक चले जाए, इस केस में कुछ दूर जाने पर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखाई देगा, यहाँ से कुछ दूर जाने पर इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखाई देगा। वाई? बिकॉज ऑफ देयर इज टू टाइप ऑफ कोहेरेंसी। व्हाट इज कोहेरेंस? नहीं, कोहरेंट का मतलब ये होता है कि दो सोर्सेज लें जिसमें फेज का परिवर्तन समय के साथ एक ही तरह से हो, तो ऐसे सिस्टम को कोहरेंट सोर्स कहते हैं। कोहरेंट दो तरह का होता है, एक स्पेशियल कोहरेंस, दूसरा टेम्पोरल कोहरेंस। तो दिस इज द टेम्पोरल कोहरेंस, यानी टाइम के साथ कोहरेंस कांस्टेंट कंडीशन को मेंटेन कर ले जाए। स्पेशियल कोहरेंस ये है कि कितना दूर जाने के बाद दोनों वेव के बीच कोहरेंस नहीं रहेगा, ठीक है, तो उसको कहते हैं स्पेशियल कोहरेंस। इन दोनों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आज थोड़ा हम जल्दी निकलेंगे, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे जो आप लोग इंटर में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये तो कल लिखवा दिए थे, अब क्या लिखोगे, ये तो रिवाइज कर रहे हैं। हाँ, याद दिला रहे हैं कि ये चीज़ हम लोगों ने कर लिया था, क्योंकि आप लोगों का दिमाग बहुत जगह रहता है तो थोड़ा सा काल करना पड़ता है कि काल ऑन द सब्जेक्ट। ओके, आईरेज
यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और ये एक्सपेरिमेंट इतना इम्पॉर्टेंट है कि आज भी एक्सपेरिमेंट रिसर्च कम्युनिटी में बार बार डिफरेंट टेक्निक लगा करके, डिफरेंट सोर्स लगा करके किया जाता है। क्योंकि आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा कि लाइट इज क्वांटा, यस या नो, प्लैंक थ्योरी। तो ई इज इक्वल टू एच न्यू, दिस इज द एनर्जी ऑफ लाइट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये वेव के बजाय क्वांटा है। तो इन दिस एक्सपेरिमेंट यंग्स यूज्ड प्राइमरी सोर्स एंड कैप्ट डबल स्लिट इन फ्रंट ऑफ इट, द स्क्रीन इज कैप्ट एट डिस्टेंस डी अवे फ्रॉम डबल स्लिट, देन ब्राइट डार्क पैटर्न अचीव्ड ऑन स्क्रीन, दिस इज नोन एज द फ्रिंज पैटर्न, ठीक है। तो किया क्या था, दिस इज प्राइमरी सोर्स। हम यहाँ पॉइंट सोर्स की बात कर रहे हैं, एक्सटेंडेड सोर्स की बात नहीं कर रहे हैं। एक्सटेंडेड सोर्स और पॉइंट सोर्स में फ़र्क क्या होता है, आप वो बल्ब लीजिए, चाहे वो मरकरी लीजिए, चाहे वो तार वाला बल्ब लीजिए, जो सोर्स होता है वो कुछ डिस्टेंस तक फैला रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम डबल स्लिट रख रहे हैं, तो यहाँ से भी लाइट आ रही है, यहाँ से भी लाइट आ रही है, तो ये लाइट और ये लाइट आपस में इंटरेक्ट करेगी, ठीक है। और इंटरेक्ट करने की वजह से एक इंटरफेरेंस या डिफ्रेक्शन पैटर्न प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो ये कितना लंबा होना चाहिए या इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, ये भी वेल डिफाइंड है। अगर इसकी विड्थ इस तरह से हो गई कि यहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैदा हो गया, डिस्ट्रक्टिव का मतलब कि कोई दोनों लाइट एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दे रही है, तो यहाँ से तो कोई लाइट निकलेगी नहीं। और यहाँ पर मान लीजिए कंस्ट्रक्टिव हो गया, तो यहाँ से लाइट निकलेगी तो इंटरफेरेंस नहीं मिलेगी। ये कितना डिस्टेंस पर रखा जाए ये भी वेल डिफाइंड है, ताकि लाइट में इस जो ये सोर्सेज सेकेंडरी सोर्सेज हैं, तो सेकेंडरी सोर्सेज का डिफिनीशन कहाँ से आ रहा है, हाइगेंस थ्योरी से आ रहा है, कि यहाँ से वेव फ्रंट चलेगी और हर वेव फ्रंट पर जो पॉइंट है वो वाइब्रेट करेगा और एवरी पॉइंट विल वर्क लाइक अ सोर्स, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसी चीज़ से हम लोग डील करते हैं। तो यहाँ से जो सोर्स है वो आया, तो हम लोगों ने सोर्स को लिया। दूसरा कंडीशन ये है
कि दिस एस वन एंड दिस एस टू आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एस, ये इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। इक्वल डिस्टेंस पे क्यों होना चाहिए? क्योंकि सेम वेव फ्रंट यहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है, एक ही वेव फ्रंट को कट होना चाहिए। ओके, अगर एक ही वेव फ्रंट पे कट किया तो जिस फेज में ये होगा उसी फेज में ये होगा, यानी फेज डिफरेंस शुरू में जीरो होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जितना फेज डिफरेंस इन दोनों की वजह से क्रिएट हो रहा है, हम फाइनल कंडीशन में जो कंडीशन अभी लिखे थे वो फेज डिफरेंस ऐड करेंगे। अगर मैक्सिमा का फेज डिफरेंस है ट्वाइस एन पाई, तो ये कह रहा है कि इस कंडीशन में ये मिलेगा। लेकिन अगर आपने कंडीशन बदल लिया, यहीं पर कुछ फेज डिफरेंस आ गया, तो उतना फेज डिफरेंस हम इसमें जोड़ देंगे और तब कहेंगे दिस इज कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। ये फेज डिफरेंस इसके पहले से ही क्रिएट हो गया, ठीक है? ओके, एंड देन यू विल पुट स्क्रीन हियर, दिस इज द मिड पॉइंट ओ, यहाँ से लाइट इस पॉइंट पर पहुँच रही है और यहाँ से लाइट इस पॉइंट पी पर पहुँच रही है, और यहाँ पर ये वेव किसी भी कंडीशन में मिल रही होगी, वो कंडीशन मैक्सिमा का हो सकता है, वो कंडीशन मिनिमा का हो सकता है, या वो कंडीशन दोनों के बीच का भी हो सकता है, ठीक है? कोई कंडीशन भी मिल रही है। तो दिस इज एक्स एन डिस्टेंस, वाई एन कि सेंटर से एंथ फ्रिंज का ये डिस्टेंस है, ठीक है? अब हमको करना क्या है? कैसे सीधे निकल जा रही है? यहाँ से जा रही है तो यहाँ से ये ऐसे जा रही है। सीधे दिखाने का मतलब ये है कि यहाँ से सिर्फ इस डायरेक्शन में लाइट नहीं जा रही है, क्योंकि इस पूरे स्क्रीन पर बन रहा है, लेकिन ये एक्स एन हम रखे हुए हैं कि एन इजक्वल टू वन टू थ्री, तो x की वैल्यू यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, ये जनरलाइज कर देंगे। यस, पूरी स्क्रीन का इफेक्ट वो x बता देगा। पर्टिकुलर एरिया से कोई मतलब नहीं, क्योंकि x इज वेरिएबल। हाँ ठीक है, एक पर्टिकुलर वेरिएबल को लेते हैं और उसको कहीं से कहीं तक आप चेंज करा सकते हैं। ओके, अब इसके और इसके बीच में, इसके बीच में फेज डिफरेंस तो कुछ है नहीं, या पाथ डिफरेंस तो कुछ है नहीं, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम फेज पर है, या सेम पाथ डिफरेंस पर यहाँ से है। अब देखिए ये डिस्टेंस छोटा लग रहा है, ये डिस्टेंस बड़ा लग रहा है, ठीक है? और ये पॉइंट अगर हम सेंटर से नापें, यहाँ से नापें, तो थीटा एंगल बना रहा है। ये डिस्टेंस मीटर में रखा जाता है, ये डिस्टेंस मिलीमीटर में रखा जाता है, तो अगर एक मिलीमीटर के बीच में है या दो मिलीमीटर के बीच में है, तो एक मीटर के रिस्पेक्ट में दो मिलीमीटर या एक मिलीमीटर निग्लिजिबल क्वांटिटी है, ठीक है ना? इसका मतलब कि ये जो एंगल इससे बना रहा है, तो ये जो एंगल ये है, या ये जो एंगल ये है, ये सभी लगभग थीटा के बराबर होंगे, और अगर चेंज में भी होगा तो वो डेसिमल के तीसरे या चौथे पोजीशन पे चेंज होगा, ठीक है? यहाँ फिगर बड़ा दिख रहा है ना, जब एक्सपेरिमेंट में देखेंगे तो वो मिलीमीटर, ये डिस्टेंस मिलीमीटर में ही होती है,
या कम होती है। अगर मिलीमीटर में नहीं रखे तो आप फिर डी कोहरेंट लेवल में पहुंच गए, इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसके भी रखने का एक रेंज है, उस रेंज से बाहर आप नहीं निकल सकते। तो दैट इज नोन एज ए स्पेशियल कोहरेंस, यानी स्पेस की वजह से कोहरेंट आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाल दें, तो देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस लगभग बराबर है, इस डिस्टेंस का अंतर मिल रहा है, और ये है डिस्टेंस डी, स्लिट के बीच का डिस्टेंस है डी। तो ये डिस्टेंस, इसको एस टू डैश कह दें, ये डिस्टेंस कितना होगा, डी साइन थीटा, दैट इज डी साइन थीटा, ठीक है, यस या नो। ये ट्रेंगिल है, ये 90 डिग्री है, और ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा, तो थीटा के सामने साइन थीटा होता है। अच्छा, इस थीटा से देखिए टेन थीटा कितने के बराबर होगा, एक्स एन बाई कैपिटल डी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है कैपिटल डी होगा। और अप्रॉक्सीमेशन ले लेते हैं, साइन थीटा इजकल टू टेन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, कब, जब थीटा इज वेरी स्मॉल, होगा कि नहीं होगा, ये नहीं होगा, सही है। तो इसका मतलब है कि साइन थीटा और डी सबको हम लोग एक दूसरे से चेंज कर देते हैं, तो पाथ डिफरेंस कितना है, डेल्टा इजकल टू डी साइन थीटा इजकल टू दैट इज डी एक्स एन डिवाइडेड बाई डी, ये आ गया पाथ डिफरेंस। कंडीशन ऑफ मैक्सिमा अभी लिखवा हुआ नहीं रहे, हम कहें कि हमको आज जल्दी जाना है तो समझा रहे हैं। पाथ डिफरेंस एन लैम्डा के बराबर हो, मैक्सिमा एन लैम्डा इजकल टू डी एक्स एन डिवाइडेड बाय डी एन लैम्डा कैपिटल डी बाय डी इजकल टू एक्स एन, दिस इज एंथ ब्राइट फ्रिंज अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, दिस इज द पोजिशन ऑफ एंथ ब्राइट फ्रिंज अवे फ्रॉम द सेंटर। अब फ्रिंज विड्थ कितने के बराबर आ गए, ये एन इजक्वल टू वन रख दीजिए, दिस इज फ्रिंज विड्थ बीटा, ठीक है, डार्क फ्रिंज के लिए भी इतना ही आएगा, ब्राइट फ्रिंज के लिए भी इतना ही आएगा, ओके, तो फ्रिंज विड्थ आपको मिल गई। अब क्या कैलकुलेट करना है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ का मतलब ये होता है कि अगर ये ब्राइट फ्रिंज है ये डार्क फ्रिंज है तो इसके बीच में कितना एंगल बनेगा, ये यहाँ से नापेंगे तो, ठीक है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, आर्क थीटा इजकल टू रेडियस बाई आर, ठीक है, तो थीटा इजकल टू रे आर्क, आर्क कितना है, डेल्टा एस रेडियस कितना है डी, और डेल्टा एक्स कितने के बराबर है, डेल्टा एक्स इज फ्रिंज विड्थ, क्योंकि एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकाल रहे हैं, एंगुलर का मतलब कि ये वाली फ्रिंज और ये वाली फ्रिंज इस पॉइंट पे कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, तो ऐसे आप ये वाली ये एंगल निकालना है, ये पॉइंट यहाँ है,
अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आई विल गो टू रिवाइज दिस, क्योंकि ये ऐसे है। तो यू विल पुट इट लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी कैपिटल डी, दैट इज लैम्डा बाई, दिस इज एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत? अच्छा, लैम्डा बाई डी, डी इज इक्वल टू बीटा, दिस इज फ्रिंज विड्थ, लीनियर फ्रिंज विड्थ। तो लैम्डा बाई डी इज इक्वल टू बीटा बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू डेल्टा थीटा एंड बीटा, मतलब एंगुलर फ्रिंज विड्थ, दिस इज फार्मूला फॉर एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ओके। सो आप लोगों को दिवाली की बहुत देर को होगी, दिवाली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, जम के इंजॉय कीजिएगा, बस हाँ, बनाना हो तो बनाओ, नहीं बनाना हो तो मत बनाओ, क्योंकि ये पूरा फिर से कराएंगे, ये हमको मालूम है, ये सिर्फ आप लोगों के सुविधा के लिए हम आए थे, ठीक है, बस यही कीजिएगा कि किसी का दूसरे को तकलीफ मत दीजिएगा। हाँ।